हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कंप्यूटर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी कंप्यूटर की डिफिनीशन, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रखा होगा, बहुत सा सुना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई और कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है, कंप्यूटर का मतलब क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो एक वर्ड है इंग्लिश का कंप्यूट, उससे मिलके बना है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ओके, तो कंप्यूटर का हिंदी में मतलब होता क्या है, कंप्यूटर का हिंदी में मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो सबसे इसीलिए सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो कैलकुलेटर ही था। कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करने की डिवाइस। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो इनपुट आउटपुट का जो कंसेप्ट था वो इसी प्रकार का था कि सबसे पहले हम डेटा जो हमारा था इनपुट के माध्यम से या प्रोसेसिंग जो एलिमेंट था उसको ट्रांसफ़र करते थे, वो प्रोसेस करके आउटपुट के माध्यम से इंफॉर्मेशन बना देता था। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। ठीक है, किससे हुई है, कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट का हिंदी में मतलब क्या होता है, गणना करना। क्या होता है, गणना करना। ठीक है, ओके, इंग्लिश में कह सकते हो टू कैलकुलेट। ओके, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की। ठीक है, तो बहुत सारी कंप्यूटर की डेफिनेशन है, बट मेरे हिसाब से कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर में जो वर्ड्स हैं उनका मतलब ही अगर आपको पता हो जाए तो वो अपने आप में खुद एबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है उसको बताते हैं। तो कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकली एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कंप्यूटर COMPUTER इन शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब ओरिएंटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, यू का मतलब यूनाइटेड एंड अंडर यूज्ड, टी का मतलब टेक्निकली एंड ई का मतलब एजुकेशनल, आर का मतलब रिसर्च। ओके, तो आप देखिए कि जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है उसकी उससे जो निकल के आता है उसको उसमें कितना अपने आप को स्पेसिफाई कर रहा, कितना अच्छे से एलिबोरेट कर रहा है। ठीक, तो कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, ओरिएंटेड का मतलब है टू प्रोड्यूस, उसके लिए बना हुआ है, मशीन का मतलब एक मशीन है, यंत्र है। ठीक है, पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफाई उस चीज़ के लिए, यूनाइटेड मतलब असेंबल्ड है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, टेक्निकली मतलब तकनीक, एजुकेशनल मतलब शिक्षा, रिसर्च मतलब शोध। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड अंडर यूज्ड टेक्निकली एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, एक ऐसी कॉमन मशीन जो तकनीकी शिक्षा और रिसर्च के कामों को करने के लिए बनाई गई हो। ओके, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, एक ऐसी कॉमन मशीन जो तकनीकी शिक्षा और रिसर्च के कामों को करने में सक्षम हो। ठीक है, आप कह सकते हो एक ऐसी कॉमन मशीन जो तकनीकी शिक्षा और रिसर्च के कामों को करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, ये कंप्यूटर की अपने आप में डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जो कि डिफाइन कर रहा कि कितना क्रूशियल कंप्यूटर है। ओके, अब आप देख सकते हो कि इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सोल्यूशन बाई परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग एट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। ठीक है, द डिवाइसेस विच ऑपरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, कंप्यूटर इज अ मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस्ड इट एंड प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिजल्ट। ओके, आप ये याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस भी है, एक मशीन भी है। ठीक है, जिसमें यूजर के दो, एक ऐसी मशीन है कंप्यूटर जो यूजर के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसे प्रोसेस करके सुव्यवस्थित रिजल्ट या परिणाम या आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की कुछ खास बातें हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर हैं उसके,
कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो विशेषताएं जो लगभग सभी कंप्यूटर की होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो ह्यूमन बींग या बाकी अलग सबसे अलग करता है कंप्यूटर को, क्या है? स्पीड। ठीक, स्पीड का मतलब होता है चाल, एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है, ठीक, रिलायबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीयता, एक्यूरेसी मीन्स आप कह सकते हो करेक्टनेस, ठीक है, करेक्ट कितना है, रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, मेमोरी कैपेबिलिटी मतलब याददाश्त क्षमता या स्टोर करने की एबिलिटी, वर्साटाइलिटी मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रों में एक जैसा यूज होने की एबिलिटी, ठीक है, हर फील्ड में एक जैसे काम कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में स्पीड क्या है, तो आप देख सकते हो आ स्पीड आ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट मशीन, कंप्यूटर बहुत ही फास्ट मशीन है, इट कैन परफॉर्म टास्क इन फ्यू सेकेंड्स विच मे टेक ह्यूमन बींग्स ईयर टू डू। इसका मतलब है कि जो काम कंप्यूटर कुछ सेकेंड में कर सकता है वही काम को करने में इंसानों को सालों लग सकते हैं, ठीक है। दिस परफॉर्मेंस इज़ ड्यू टू टेक्नोलॉजी यूज्ड इनसाइड कंप्यूटर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में इस प्रकार की तकनीक यूज होती है जो कि इसको इस योग्य बनाती है, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसिंग गोज बियॉन्ड, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वो सेकेंड से लेके मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड तक जाती है, ठीक है, जो कि ह्यूमन सेकेंड भी नहीं समझ सक मतलब मिली सेकेंड भी नहीं समझ सकता, ठीक है। आप पलक झपकते हो तब एक सेकेंड हो जाता है, तो सोचो नैनो सेकेंड, और नैनो सेकेंड एक सेकेंड में कितना होंगे, 10^9, ठीक है, वो आप कितना जान बिल्कुल नहीं जान पाओगे। अगला आता है एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेसी का मतलब कितना करेक्ट है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर्स आर हाईली एक्यूरेट मशीन, ओके, एंड दे नेवर मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट मशीन है और ये कभी भी गलती नहीं करते। वी समटाइम्स हियर अबाउट सम प्रॉब्लम्स लाइक रॉन्ग टिकट इशूड और इनकरेक्ट बिल कैलकुलेशन एंड पीपल सेज दैट इट इज़ अ कंप्यूटर प्रॉब्लम, बट दिस इज स्ट्रिक्टली इनकरेक्ट, कंप्यूटर्स नेवर मेक मिस्टेक, इट इज़ ह्यूमन हु इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड डेटा हु मेक मिस्टेक्स। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर बहुत ही हाईली एक्यूरेट मशीन है और ये कभी गलती नहीं करती, ठीक है। कभी कभी हम सुनते हैं कि कुछ समस्याएं जैसे कि गलत टिकट इशू हो गया या गलत बिल कैलकुलेट कर दिया कंप्यूटर ने, और लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुई ये कंप्यूटर ने गलती कर दी, जो कि ये बहुत ही साफ साफ गलत है। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने वाले लोग हैं उसने इनपुट गलत दे रखा है, उसने गलती की है, तो ये गलती कंप्यूटर की नहीं होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसकी गलती है। अगला है रिलायबिलिटी, ओके, मतलब विश्वसनीयता। द रिलायबिलिटी कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी कैन रिप्लेस मैनी टास्क परफॉर्म्ड बाई ह्यूमन विद कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर आज इतना विश्वसनीय है कि बहुत सारे जो काम हैं जो इंसान करता था अब कहीं वो सभी काम कंप्यूटर से हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, ठीक है। कंप्यूटर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोग्राम्ड इन सच अ मैनर दैट दे वुड ऑलवेज अर्न गारंटीड रिजल्ट। कंप्यूटर को इस प्रकार से बनाया गया है या इस प्रकार से प्रोग्राम्ड किया गया है, उसमें इस प्रकार के प्रोग्राम डाले गए हैं कि वो हमेशा सत्यता की सही परिणाम की गारंटी ले, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले फीचर की जिसका नाम है एनी मेमोरी कैपेबिलिटी, ठीक है। तो मेमोरी कैपेबिलिटी का मैंने बताया था कि मेमोरी बहुत मींस डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी। द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरेज मेक्स कंप्यूटर वेरी यूजफुल। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की एबिलिटी है, आप बहुत सारी कॉपी आज देख लो, कंटेंट आप क्या है स्कैन कर लो, हमेशा स्टोर हो गया, बहुत सारी किताबें आप स्कैन करके तुरंत डाल सकते हैं, इतना ह्यूमन नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए कंप्यूटर आज बहुत यूजफुल है, ठीक है, जो कि इसको यूजफुल बनाते हैं, मेमोरी एबिलिटी कंप्यूटर को बहुत यूजफुल बनाती है, ठीक है। इट वॉज क्रूशियल इन्वेंशन, ये बहुत महत्वपूर्ण या खास खोज थी। कंप्यूटर सेव्स द इफॉर्ट ऑफ इनपुट एवरी टाइम विच इज़ यूजफुल फॉर मैनी कंप्यूटेशन इन कंप्यूटर। बहुत सारी फाइलें आप कंप्यूटर में सेव हो जाती है तो बार बार आपको वो फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत सारा काम बच जाता है कंप्यूटर, इसलिए फास्ट प्रोसेसिंग करता है। द फैसिलिटी ऑफ द स्टोरेज ऑफ डेटा इज़ ऑन द कंप्यूटर टेम्परेरी बट बेसिस एज वेल एज लॉन्ग टर्म बेसिस। कंप्यूटर में दोनों तरीके की स्टोरेज फैसिलिटी है,
चाहो आप डेटा को टेम्परेरी स्टोर करो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर कर सकते हो। एक चीज़ आपको और देखने की ज़रूरत है, जो NEA कंप्यूटर था उसका मैंने बता दिया था फुल फॉर्म क्या है, जो पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम है NEA। NEA की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है कई आपकी UGC नेट और कई SSC CGL का या कई कम्पिटेटिव एग्जाम में कंप्यूटर आज बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फीचर है वर्सा टिलिटी। ठीक है, वर्साटिलिटी का मतलब है कि ऐसी मशीन जो हर फील्ड में एक जैसी यूज हो रही है, एक जैसी परफॉर्मेंस से यूजफुल हो। तो कंप्यूटर्स आर यूजफुल एवरी वेयर इन डिफरेंट रिस्पेक्ट्स सच एज इन बिजनेस फॉर पर्सनल यूज एट होम। ठीक है, कंप्यूटर बहुत हर जगह आज यूज किए जा रहे हैं अलग अलग रिस्पेक्ट से, जैसे बिजनेस में और घरों में अपने पर्सनल यूज करने के लिए, स्कूल में एजुकेशन के पर्पस से, साइंस में और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन करने में आपका कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर जेनेरिक एज वेल एज स्पेसिफाइड पर्पस। कंप्यूटरों को आप जनरल पर्पस से या जेनेरिक वे में या स्पेसिफाइड पर्पस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज सच कंप्यूटर वर्साटाइल मशीन विच इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन मैनी लाइन्स ऑफ वर्क। तो यही फीचर कंप्यूटर को वर्साटाइल मशीन बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंसान की लाइफ में काम करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू गाइस। अगर मैंने जो आपको कंटेंट बताया है वो आपके लिए यूजफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और आप अगर नए यूज़र हैं तो इसको लाइक करिए। ठीक है, और जो बेल है उसको आप क्लिक करिए, जिससे आपको नए जो मेरे वीडियो हैं वो आपके पास तुरंत पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।